हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जैदुल एंड यू आर वाचिंग जैदुल वाइब्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स एसईओ का एक सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर चुका हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स एसईओ के लिए आप कैसे की और रिसर्च कर सकते हो। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आपको देखना होगा। तो गाइस, चलते हैं हम लोग स्कीम के ऊपर और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो पिछले वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने डिटेल में बताया था कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आपको टारगेट करना पड़ेगा, कीवर्ड को टारगेट करने से पहले आपको कैसे कंपेटिटर को रिसर्च करना पड़ेगा, ए टू जेड मैंने उसके ऊपर डिटेल में बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लेके चलेंगे। तो स्ट्रक्चर को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ जानना होगा, जैसे कि वेबसाइट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। जब आप एसईओ करोगे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए तो उसमें आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेबसाइट। तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा जो कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जो कलेक्शन पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर जो सब पेजेस होते हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको क्रिएट करेंगे ताकि गूगल का जो बोट उसको ईजिली कॉल कर सके। और गूगल का बोट के साथ साथ जो भी विजिटर अपने वेबसाइट में आएगा वो भी बहुत ही इजीली नेविगेट कर सके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक विजिटर इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते। तो मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा और लाइव भी दिखाऊंगा कि हम लोग इस तरह के ऐसे वेबसाइट को स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके रखा हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि होम पेज के अंदर हम लोग एक कलेक्शन पेज बनाया, उसके बाद एक हेयर एक्सेसरीज पेज बनाया और एक ब्लॉग पेज बनाया, और उसके साथ साथ कलेक्शन पेज को हम लोग किस तरह से उसको डिजाइन किया, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर और कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं कि जब हम लोग अच्छे तरीके से वेबसाइट को स्ट्रक्चराइज कर लेंगे तो इसमें होगा कि रैंकिंग में बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाले। क्योंकि देखो, गूगल बोट जब इजीली कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर आपका कोई भी कलेक्शन पेज को क्रॉल कर सकते हैं ना, तो वो रैंकिंग में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि एक पेज से और एक पेज को अच्छे तरीके से नेविगेट कर सके। तो वो किस तरह आप कर सकते हो, तो इसके लिए मैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूँगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक साइट ओपन करके रखा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक साइट के ऊपर हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको एसईओ करके उसका ट्रैफिक इंक्रीज किया था। तो उसका जो साइट का, तो उस साइट का एक कंपटीटर ये है। तो इस साइट को अगर आप गौर से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप जब स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत करना कि इस एक पेज के साथ और एक पेज और दूसरे पेज के साथ, इस तरह से आप ऐसे इंटरलिंकिंग कर देंगे तो विजिटर कन्फ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली में इस प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जब विजिटर कंफ्यूज हो जाएगा तो उसके बाद गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका पेज कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि जब आप पेज क्रिएट करोगे तो आपको नीट एंड क्लीन, ऐसे कि इजीली नेविगेट हो सकता है, इस तरह आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एक होम पेज ये है। तो उसके बाद ये जो पेज, यहाँ पर आप कलेक्शन पेज भी कह सकते हो इसको, तो यहाँ पर एक कलेक्शन पेज ऑलरेडी है। तो कलेक्शन पेज के अंदर आप देख सकते हो कि वाई थीम नाम का एक यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है कि भाई थीम के अंदर कितने कितने अलग अलग कलेक्शन पेज वो ऐड कर सकता है। ये आप देख सकते हो, लग्जरी हेयर एक्सेसरीज, क्रिस्टल हेयर, तो इस तरह एक अलग अलग पेज को वो टारगेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिज़ाइनर के लिए, तो इस तरह वो ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को वो इस तरह कलेक्शन पेज में टारगेट कर रहे हैं। और इसी तरह एक फीचर पेज यहाँ पर बना के रखा है जो कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेयर एक्सेस के अंदर यहाँ पर और भी बहुत सारे कैटेगरीज है। तो आप देख सकते हो कि ये हम लोग अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बनाना हेयर क्लिप्स है ये इसका एक मेन कीवर्ड हो गया है सिर्फ इस कलेक्शन पेज के लिए। सही हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो इसमें क्या होगा कि एक इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे के रखा है। तो जब वो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, उस कीवर्ड के साथ साथ आप देख सकते हो कि जो इसका अबव द फोल्ड ऑप्शन है तो इसमें एक पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन करके रखा है। और इसी पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कितने आसानी से और स्मार्ट वे ये कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर
मान के चलो आप एक साइट के ऊपर एसईओ कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स साइट है और उसका कीवर्ड्स आपसे बनाना हेयर क्लिप टारगेट कर लिया और उसको यहाँ पर मेंशन करके सिर्फ प्रोडक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर या फिर प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कराए। लेकिन अगर आप इस तरह एक पैराग्राफ को मिस कर दोगे तो इसमें होगा कि एसईओ का जो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये आप वो खो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आप एक ऐसे अच्छे तरीके से कैसे पैराग्राफ इसके रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ साथ आप इस तरह से इंटरलिंकिंग भी आपको करना पड़ेगा। ये दूसरे किसी और भी कलेक्शन पेज के ऊपर इंटरलिंकिंग किया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से किए कितना स्मार्ट वे काम कर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पर प्रोडक्ट का जो लिस्ट है यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना एफएक्यू क्रिएट करके रखा है ताकि रीडर को समझने में इजी हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इंफॉर्मेशन और कौन से हो सकता है। जैसे कि हाउ डू आई स्टाइल बनाना की, तो बनाना की को कैसे स्टाइल में वो पहन सकता है और उसका एक हिस्ट्री भी यहाँ पर वो मेंशन करके रखा है और यहाँ पर आओगे तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो। तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप देखो बनाना हेयर क्लिप फॉर थिक हेयर, तो ये थिक हेयर को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो हम लोग किस तरह से इसको टारगेट कर सकते। तो देखो ये होम पेज हो गया, उसके बाद आता है कलेक्शन पेज। तो कलेक्शन पेज के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिजाइन मटेरियल स्टाइल फंक्शन साइज और ओकेशन, तो इस तरह छह अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को अरेंज करेंगे। तो डिजाइन के अंदर क्या हो गया कि फैंसी हेयर क्लिप आ गया, तो इस कीवर्ड को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैटेगरी पेज क्रिएट करेंगे और उस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और जब हम लोग उस कैटेगरी को क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से हम लोगों को विद इट फास्ट जो अबव द फोल्ड सेक्शन होगा उसमें हम लोग इस तरह एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे जो मेन कीवर्ड हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मेन कीवर्ड हो गया क्या, फैंसी हेयर क्लिप। तो इसके ऊपर हम लोग फार्दर अगर रिसर्च करेंगे तो और भी बहुत अच्छे कीवर्ड हम लोगों को मिल सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी कीवर्ड हम लोगों को हो गया, तो उस प्राइमरी कीवर्ड को लेके हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ दो तीन सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल राउंड बनाना क्लिप, ये एक सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। इसका प्राइमरी कीवर्ड अगर बनाना हेयर क्लिप होगा तो ये एक सेकेंडरी कीवर्ड हो गया स्मॉल राउंड बनाना क्लिप, और ये हो गया लार्ज बनाना हेयर क्लिप। तो आप देख सकते हो कि किस तरह अच्छे वेरिएशन के हिसाब से ये कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा जब आप कलेक्शन पेज को क्रिएट करोगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो क्रिस्टल हेयर क्लिप्स, तो क्रिस्टल हेयर क्लिप्स एक अलग सा कलेक्शन पेज आपके पास आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रिस्टल रिलेटेड जितने भी सारे आपको हेयर क्लिप्स होगा आपको वहां पर टारगेट करना पड़ेगा। सिमिलरली मून हेयर क्लिप्स, हार्ट हेयर क्लिप, तो इस तरह बहुत सारे आप कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो एज ए कलेक्शन पेज। तो देखो हम लोग कलेक्शन को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कीवर्ड हम लोग टारगेट करते हैं वो कलेक्शन पेज के ऊपर है, क्योंकि अगर आप एक एक कीवर्ड को लेके एक एक प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट करोगे तो वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली गूगल में सर्च करके एक बार दिखा देता हूँ, अगर इस कीवर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे जो भी साइट आपको देखने को मिलेगा ना ये सारे के साइट कलेक्शन पेज के ऊपर रैंक करेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिर्फ हेयर क्लिप एक कलेक्शन पेज बनाया और इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, हालांकि इस कीवर्ड के ऊपर वो अभी तक कोई भी अच्छे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया होगा। जैसे कि उसका टाइटल में अभी देख सकते हो कुछ भी एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेट नहीं किया, अबव द फोल्ड में कुछ भी पैराग्राफ ऐड नहीं किया, उसमें सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड नहीं किया। तो इस तरह से वो सिर्फ सिंगल कीवर्ड को टारगेट करते हुए ये रैंक कर रहा है क्योंकि इसका अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो एज ए न्यू साइट हम लोग इस तरह से टारगेट नहीं करेंगे, न्यू साइट के ऊपर हम लोग जितने भी एसईओ का अपॉर्चुनिटी है हम लोग उसको अप्लाई करते रहेंगे। तो नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी एक साइड है जो कि एक्सेसरीज पेज पर रैंक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड को हम लोग एज ए कैटेगरी पेज के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अच्छा तो ये हो गया डिजाइन बेसिस के ऊपर हम लोग एक कलेक्शन पेज यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद मेटेरियल्स के बेसिस से जैसे कि प्लास्टिक हेयर क्लिप्स, वुडन हेयर क्लिप्स, तो प्लास्टिक हेयर क्लिप्स के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होगा हम लोग सिर्फ उस कलेक्शन पेज में ऐड करेंगे। उसके बाद मेटल रिलेटेड, फैब्रिक कवर, रेजिन हेयर क्लिप, तो इस तरह जो भी आपके पास कीवर्ड का लिस्ट आएगा आप उसके हिसाब से आप कैटेगरी पेज क्रिएट करोगे। उसके बाद स्टाइल आ जाते हैं, तो स्टाइल में अगर देख सकते हो बेरेटेड आ जाते हैं, क्लॉक क्लिप्स आ जाते हैं, फ्रेंच हेयर क्लिप्स, बनाना क्लिप्स, एलिगेटर क्लिप, तो ये आसानी से आप टारगेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर अगर आप फर्दर रिसर्च करोगे तो आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड मिलते रहेंगे और उस एग्जैक्ट कीवर्ड को लेके आपको मेन कीवर्ड एज ए मेन कीवर्ड टारगेट करना पड़ेगा उस कलेक्शन पेज के या फिर उसका कैटेगरी पेज का आपको टारगेट करना पड़ेगा।
उसके बाद आप देख सकते हो कि फंक्शन जो कलेक्शन है उसके ऊपर हम लोग इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद साइज रिलेटेड और उसके बाद ओकेशन। तो ये हो गया हम लोगों का कलेक्शन पेज। और उसके बाद हम लोग और भी एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते, जैसे कि हेयर एक्सेसरीज, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स को कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्नैप क्लिप्स हो गया, वैरायटी हेयर क्लिप्स हो गया और चिग्नोन हेयर पिंस हो गया। तो इस तरह हम लोग अलग अलग कैटेगरी के ऊपर हम लोग कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। और जब कीवर्ड को टारगेट कर लेंगे उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर उतना अच्छे तरीके से कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2x7 सेंटीमीटर स्नैप क्लिप्स, तो यहाँ पर आ गया आपका स्नैप क्लिप्स, तो यही आपका कीवर्ड हो गया। लेकिन आप इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल के इस प्रोडक्ट पेज को रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स साइड में मैक्सिमम जो अथॉरिटी है ना वो होम पेज के ऊपर चले जाते हैं, और होम पेज के बाद आता है कि कलेक्शन पेज के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो छोटी चीज होती है कि वो प्रोडक्ट पेज, वो प्रोडक्ट पेज तब रैंक करता है जब कंपटीशन एकदम लो हो, सही है। तो आपको देखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप कलेक्शन पेज या फिर कैटेगरी पेज के ऊपर ही आपका जो मेन कीवर्ड होते रहते उसको टारगेट करते रहो। अच्छा, तो जब आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर एसईओ करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप थोड़ी रिलेटेड जो कीवर्ड होता है आप उसमें टारगेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट कीवर्ड आप कैटेगरी पेज के ऊपर और सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर मत यूज करो, क्योंकि अगर एक ही कीवर्ड को दो तीन पेज के ऊपर बार बार यूज करोगे तो गूगल में वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आ जाएगा, कि दो तीन अगर सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली में कौन सी पेज को गूगल रैंक दे, सही है। तो आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आप कौन सी पेज के ऊपर कौन सी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। तो यूनिक कीवर्ड को सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट पेज या फिर कैटेगरी पेज के ऊपर टारगेट करो। तो जब प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप ऐसे एसईओ करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर ट्राई करना होगा कि अच्छे यूनिक एक कीवर्ड यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ट्राई करो कि उसका कीवर्ड आ जाए, और यहाँ पर जो इमेज आप डाल रहे हैं ना तो इसके ऊपर आपको भी इमेज ऑल टैग के ऊपर आपको कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग ऑन पेज एसईओ में आएंगे तो इसके ऊपर फार्दर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करके रखा है जहाँ पर इसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ताकि गूगल का जो बोट है उसको भी इजी समझ में आ जाए कि इस पेज में एक्चुअली कितना इन्फॉर्मेशन है। तो सिर्फ इसके ऊपर प्रोडक्ट तो सिर्फ नहीं है, प्रोडक्ट के साथ साथ आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि गूगल का जो बोट है वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि इसके ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ साथ इसका वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी है। और लास्ट में हम लोग एक ब्लॉग पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पब्लिश करते रहेंगे। तो या अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इसका जो साइड है ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन नाम का एक पेज बनाया रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक पेज है जो कि द ब्लॉग। तो ब्लॉग के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी कीवर्ड टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि उस ब्लॉग रिलेटेड पेज की उससे एक इंटरलिंकिंग किया है, कहाँ पर, इसका और एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर देखो कि इस प्रोडक्ट जो कैटेगरी है इसके ऊपर वो इंटरलिंकिंग कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस पेज को वो रैंक करे गूगल के। तो इसी तरह आपको भी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशनल कंटेंट पब्लिश करना होगा। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 18 पेजेस है, और एक एक पेज में अराउंड 9 से 12 तक कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करके रखा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी ये पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ई कॉमर्स साइट का एसईओ बहुत अच्छे तरीके से हो तो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपका जो वेबसाइट का जो प्रोडक्ट है ये थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको इसी से एक आइडिया लेना होगा और अपने हिसाब से उसको टारगेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से आपको, जब आप कोई भी कीवर्ड को एक कैटेगरी पेज के ऊपर टारगेट करोगे तो आपको अबव द फोल्ड में कैसे उसको टारगेट करना पड़ेगा कीवर्ड, मेन कीवर्ड को, उसके साथ साथ एकदम नीचे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने जो ई कॉमर्स स्टोर है उसके ऊपर आप एसईओ कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो ब्लॉग की पेज के ऊपर हम लोग कैसे अच्छे तरीके से इंटरलिंकिंग करते हुए वेबसाइट का अथॉरिटी बूस्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस दिस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे प्लीज उसको लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल में नए आए हो। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो पर।